ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस जल्द जारी करेगी लिस्ट, ये जानकारी वहां से मिल रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है। पार्टी के सीएम फेस का ऐलान भी 3-4 दिनों में संभव है, ऐसी खबर है। आज भी दिल्ली में ही उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कल भी दिल्ली में टिकटों को लेकर लंबी बैठक हुई थी, आपको याद होगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान भी सामने आया इसी बीच। उन्होंने कहा कि काफी सीटों पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। बिल्कुल, तो कल भी दिल्ली में टिकटों को लेकर लंबी बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि आज लिस्ट जारी हो सकती है। और अब बात भाजपा की कर लेते हैं। आज उत्तराखंड भाजपा की बैठकें होने जा रही हैं और आज सुबह 11 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप और चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बिल्कुल, और इस बैठक में टिकटों पर फाइनल चर्चा होनी है। चुनाव के लिहाज से आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के करीब 600 से ज्यादा आए प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय आलाकमान को केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लेने के लिए भेज दिया गया है। और जया, माना यह भी जा रहा है कि हर सीट पर 3-3 का पैनल बना करके उत्तराखंड भाजपा दिल्ली भेज देगी, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया से ठीक पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो भाजपा की बड़ी बैठक और पूरी तैयारी कर ली गई है, कैसे कैसे उम्मीदवारों का ऐलान करना है। अब देहरादून से बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बता दें, त्रिवेंद्र रावत के घर विधायकों का डेरा है। टिकटों को लेकर त्रिवेंद्र से मिले करीब 9 विधायक, ऐसी जानकारी वहां से मिल रही है। और विधायक धन सिंह नेगी पौड़ी से मुकेश कोहली मिलने के लिए पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत को। लेस टाउन से दलीप सिंह रावत भी त्रिवेंद्र से मिले, ऐसी खबर है। प्रतापनगर से विधायक विजय सिंह पवार भी मिले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से। और नानकमत्ता से एमएलए प्रेम सिंह मिलने के लिए पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी भी मिले हैं, ये जानकारी है। तो लैंसडाउन से दिलीप सिंह को लेकर चर्चा है कि वो मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रतापनगर से भी विधायक पहुंचे थे। त्रिवेंद्र रावत के घर पर विधायकों का डेरा दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। हल्द्वानी में उन्होंने ये भी बयान दिया कि खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर? इसमें कोई प्रश्न नहीं है, खटीमा से सर। वहीं बात करें, लिस्ट कब तक जारी हो रही है? खटीमा से ही जल्दी जल्दी होगी सर। किशोर उपाध्याय क्या आपके संपर्क में, क्या किशोर उपाध्याय जल्दी ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर? नहीं नहीं कोई संपर्क। हमारे यहाँ चूँकि दावेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने काम किए हैं। काम के आधार पर हमारे यहाँ पर चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सभी हमारे जिलों से लेकर मंडलों से लेकर सभी की राय शुमारियाँ पहुँच गई हैं। अब युवा मुख्यमंत्री हूँ मैं, तो निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, क्योंकि लगातार इंतजार इस बात का है कि कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट सामने आएगी। बैठकों का दौर देख रहे हैं, मंथन तो चल रहा है, लेकिन आज भी बैठकें होने वाली है, क्या पहली लिस्ट आज आ सकती है? जया, देखिए चुनाव के लिहाज से आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भाजपा संगठन की होने जा रही है और 11 बजे कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें सभी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव समिति की भी महत्वपूर्ण बैठक आज भाजपा की होगी और फीडबैक लिया जाएगा आखिरकार किस तरीके की आगामी चुनावी रणनीति बनानी है, चुनावी एजेंडे तैयार करने हैं उसको लेकर भी है। और टिकटों के आवंटन को लेकर इस बैठक में भी मंथन होगा। कोर ग्रुप के तमाम मेंबर्स के साथ में बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, आखिरकार कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जिनके नामों पर मोहर लगा दी जाएगी। हालांकि 3-3 नामों को लेकर पैनल बना दिया गया है और करीब पूरे प्रदेश भर से 600 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 70 विधानसभाओं में से चुने गए हैं, जिनके प्रत्याशी के रूप में नाम आए हैं, लेकिन 3-3 लोगों का पैनल बनाकर तैयार कर दिया गया है। आज कोर ग्रुप की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें सभी उत्तराखंड से लोकसभा सदस्य इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की भी इस बैठक में शामिल होने की अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे ठीक पहले जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, इस बैठक में भाग लेने वाले हैं और जो भी इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, जो भी इसमें बैठक में विचार विमर्श किए जाएंगे, ये सारा फीडबैक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी। इंतजार अब इस बात का हो रहा है जया कि आखिरकार जल्द से जल्द लिस्ट होगी, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस बात पर सभी उम्मीदवार सभी प्रत्याशी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार किस तरीके से दोनों ही पार्टी की रणनीति है, क्योंकि इंतजार दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रत्याशियों को हो रहा है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर दी जाए। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज अभी दिल्ली में डटे हुए हैं, आज भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है और आखिरकार उनकी भी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश यही होगी कि कांग्रेस संगठन जल्दी से लिस्ट जारी करे और उसके बाद जितने भी जो भी प्रत्याशी हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी किसकी सबसे पहले लिस्ट सामने आती है, लेकिन जो फाइनल फैसला होना है वो दिल्ली से ही होना है, इसलिए लगातार तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे, वो दिल्ली में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल। और उधर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस नेता को कहां से टिकट दिया है। जी हां, खटीमा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने ASS कलेर को प्रत्याशी बनाया है। उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट से CM पुष्कर सिंह धामी फिलहाल विधायक हैं, तो उनके सामने SS कलेर यहां मैदान में होंगे। और इसके अलावा देवप्रयाग से उत्तम भंडारी को टिकट दिया गया है। सहसपुर से भरत सिंह हैं। मसूरी से श्याम बोरा को टिकट दिया गया है। झबरेड़ा से राजू विराटिया को टिकट दिया गया है। ये तमाम चेहरे हैं जया जिनको मैदान में उतारा गया। डीडीहाट से दीवान सिंह मेहता मैदान में होंगे। बिल्कुल। और देखिए, लाल कुआ से चंद्रशेखर पांडे होंगे, जबकि नानकमत्ता से ST कैंडिडेट हैं आनंद सिंह राणा। वहीं पुरोला से SC कैंडिडेट हैं प्रकाश कुमार। तो ये तीसरी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की। एक तरफ देखिए दीपा, ना कांग्रेस अपने पत्ते खोलने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तीसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है, जबकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आज उनकी पहली लिस्ट आ सकती है। लगातार मंथन हो रहा है दोनों ही पार्टियों में, लेकिन सबसे आगे इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर। ये तीसरी लिस्ट में कौन कौन नाम है हमने आपको बताया विस्तार से। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार बारिश। लॉकडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत का हरक सिंह रावत पर तंज। हरक के अपनी पुत्र वधु के लिए टिकट की पैरवी को लेकर दिलीप रावत ने नाराजगी जाहिर की है। पिथौरागढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शुरू। 4 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम। मतदान कर्मियों को दी जाएगी मतदान से जुड़ी जरूरी जानकारी। चुनाव को लेकर खटीमा में प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव के दौरान शराब के इस्तेमाल पर रोक के लिए बरती जा रही है चौकसी। खटीमा से लगते यूपी बॉर्डर पर पुलिस कर रही है चेकिंग। पिथौरागढ़ में भी पुलिस ने चुनाव को लेकर बढ़ाई चेकिंग। आचार संहिता लगने के बाद अभी तक 4,25,000 का कैश पुलिस ने बरामद किया। पुलिस का ये काम आगे भी रहेगा जारी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, उत्तराखंड में स्थिति इस वक्त क्या है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कहर के बीच आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। दरअसल 16 जनवरी तक रैली जनसभा पर रोक है और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। बिल्कुल। और आज शाम को ये कहा जा रहा है कि शासन के अधिकारी बैठक करने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर आज भी चलेगा। कोरोना को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 24 घंटे में 3200 केस नए निकल के सामने आए हैं। 3 लोगों की 24 घंटे के भीतर जान भी गई है कोविड की वजह से। अब जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वो चिंता का सबब है। और इसलिए कहा जा रहा है कि शासन स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और आज भी बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। कोरोना को लेकर हर पहलू पर मंथन हो रहा है। क्या मुकम्मल कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं, लगातार हर हिस्से के ग्राफ को देख रहे हैं। और आज भी जो बैठक होनी है उसमें भी कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको और कड़ा किया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। 24 घंटे में
3200 केस निकल करके सामने आए, देखिए, और 24 घंटे में ही 3 लोगों की मौत हो जाना, जया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। बिल्कुल, और पहाड़ के हिसाब से देखें दीपा तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 3200 केसेस इस वक्त 24 घंटे में सामने आए हैं, और अब इसको देखते हुए आज एक बैठक भी होने जा रही है, और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या रैलियां कंटिन्यू की जाएंगी, क्या लोग पहुंचेंगे जनता के बीच में, या फिर अभी भी वर्चुअली फोकस किया जाएगा, ये देखना होगा। आज की बैठक में ये स्थिति साफ होने वाली है। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की भी करते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, और इसी बीच देवभूमि के लिए मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से आम लोगों का जनजीवन पहाड़ों पर प्रभावित हो रहा है, और उधम सिंह नगर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर को लेकर जानकारी है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घना कोहरा है, और कम विजिबिलिटी की वजह से वहां पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट देवभूमि के लिए जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम उत्तराखंड में ठीक रहा, कई हिस्सों से खबरें ये आई कि वहां पर धूप खिली हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव पिछड़ों और दलितों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी रणनीति को पर्दे पर भी उतार दिया है, और अब वो चुनौती भाजपा के सामने है कि वो इसके जवाब में क्या करती है। बिल्कुल, शुक्रवार को इसकी झलक भी दिखाई दी। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, दलित परिवार के घर खाना खाया। सीएम योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार में सबको बराबर का सम्मान मिलता है। भाजपा का दलित कार्ड, यूपी में सियासत धुआंधार। दलितों पर सियासी जंग, 21% वोट किसके संग? मुख्यमंत्री योगी का दलित के घर खाना खाना संयोग है या फिर एक प्रयोग? क्योंकि राजनीति के जानकार अब इसके मायने निकालने लगे हैं। क्या ये चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दलित कार्ड है? क्योंकि पाला बदल कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, सबने अपना इस्तीफा देने के पीछे दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा को बड़ी वजह बताया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये सोची समझी रणनीति है? क्योंकि सबके इस्तीफों की एक जैसी लिखावट दिखी, और ये दिखाने की कोशिश हुई कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई और हमने इस्तीफा दे दिया। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का, दमनकारी सरकार जो दलितों पिछड़ों का शोषण करती आई है और वर्करों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, सबका शोषण किया गया है। समय का इंतजार था, आज हमने उस समय को देखते हुए रिजाइन कर दिया। कोई चीज़ अचानक नहीं होती है। आपने देखा इस पूरे प्रदेश में जिस वंचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, किसान और नौजवानों ने 5 साल सरकार बनाने के बाद 5 साल तक इंतजार किया कि शायद आज मुझे न्याय मिलेगा, शायद कल मुझे अधिकार के बारे में सरकार सोचेगी। जब 5 साल तक बार बार इस बात को अपने नेताओं तक पहुंचाने के बाद जब मुझे लगा कि न्याय नहीं मिल पाएगा, उनका सम्मान नहीं रह सकता है, तब मैंने ऐसे आखिर में फैसला लिया। लेकिन सीएम योगी ने अब दलित अमृत लाल भारती के घर खाना खाकर एक बड़ा कार्ड खेला है, और इस्तीफों में लिखी गई बातों का सीधा जवाब दिया है। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हालांकि संक्रांति पर खिचड़ी खाने की पुरानी परंपरा है,
योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले भी इस परंपरा को निभाते रहे हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। सवाल 21% दलित और 45% पिछड़ों का है, जिसके सहारे भाजपा 2017 में जीत का परचम लहराती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार इस मोर्चे पर विरोधी खेमे से कड़ी चुनौती मिल रही है और ऐसे में लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि आखिर दलित किसे वोट देगा। क्या वो इस्तीफों में लिखी उन बातों पर भरोसा करेंगे या फिर योगी के खिचड़ी दांव पर? वैसे यूपी में दलित वोट बैंक के दावेदारों की कोई कमी नहीं है। सबका दावा है कि दलितों के लिए जितना उन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इतना सब करने के बाद भी यूपी में दलित वोट बैंक से ज्यादा शायद कुछ नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ गंगा सवेरा में बस इतना ही।